आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो नैनो टैंक का स्टोरी पार्ट वन पार्ट टू जो मैंने डाला था। अगर इस टैंक का वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाकर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इस टैंक को मैंने डिसमेंटल कर दिया है, सारा चीज इस टैंक से निकाल दिया है, प्लांट स्टोन्स फिशेज श्रिम्प्स सारी चीजें मैंने निकाल दिया है। तो आज इस टैंक को हम लोग कुछ अलग वैरायटी का कुछ अलग तरीके का इसको स्केप करेंगे। मैंने सोचा है इसे एक डच स्टाइल में हम लोग सेटअप करें। अभी फुल प्लांट नहीं है, कुछ कुछ प्लांट्स हैं तो कुछ कुछ प्लांट्स इसमें डालेंगे। प्लांट्स क्योंकि आ चुके हैं तो मुझे फटाफट से रेडी करना है टैंक और सारा सेटअप्स करना है, और कैसे कैसे ग्रो करेगा वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे सेटअप करना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रायपर वर्ल्ड। तो अब ये टैंक पूरा ही फ्रेश और न्यू लग रहा है, तो अब हम लोग इसमें सेटअप करना शुरू करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारा सेटअप तैयार करते हैं। इसमें हम लोग डाल रहे हैं ADA का सुपर फोर, जिसमें आता है डॉक्टर 100, क्लियर सुपर और टर्मलिन BC। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारे प्लांटेड एक्वेरियम को मैच्योर करते हैं, स्टेबल करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल फॉर्म करते हैं। अब इसमें मैंने रूट टैप का भी यूज़ करा है ताकि प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, रूट्स फॉर्म होने में हेल्पफुल हो। इसमें जो सब्सट्रेट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ट्रॉपिका का, 9 लीटर का बैग है, आई थिंक पूरा बैग इसमें लग जाएगा। फ्लैटनर से सबस्ट्रेट को चारों तरफ फैला लेंगे ताकि सबस्ट्रेट इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और बैकग्राउंड में हमें थोड़ा ऊपर हाइट रखना है ताकि फ्रंट से भी वो इक्वली दिखे। तो इसमें हमने सबस्ट्रेट और जो सुपर फोर है वो हमने डाल दिया है, और जो हाइट है इसका हमने जो डेप्थ इसका जो है ये 1 इंच के आसपास है फ्रंट में, और दो तीन इंच के आसपास है बैक में। अब हम लोग हार्डस्केप पे फोकस करते हैं, वो कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग प्लांट्स पे जाएंगे। तो अभी हम लोग हार्डस्केप पे फोकस करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस स्केप में भी ड्रैगन रॉक का ही यूज़ करूँ। हमारे पिछले वाले स्केप में भी ड्रैगन रॉक था, तो उसी को कंटिन्यूटी में लेकर हम लोग ड्रैगन स्टोन को ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं कैसा जाता है, मैंने कुछ ऐसा सोचा तो नहीं है, बट स्टोन के अकॉर्डिंगली जैसा डिज़ाइन बनता जाए देखते हैं कैसा बन रहा है। पर उतना मज़ा आ नहीं रहा है, तो देखते हैं कि वुड का यूज़ इसमें कर सकते हैं या नहीं। ट्राई करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक, अदरवाइज़ रॉक का ही यूज़ करेंगे केवल, देखते हैं।
तो अपने पुराने वाले स्केप को ही फाइनल करते हैं जो कि स्टोन के साथ थे केवल, क्योंकि वुड के साथ उतना मज़ा नहीं रहा, तो इसी को फाइनल करते हैं। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। टॉप व्यू कुछ इस तरीके का है। तो अब टाइम है थोड़ा पानी फिल करने का ताकि प्लांट्स अच्छी तरीके से सबस्ट्रेट में सेट हो सके, ताकि हम लोग जब पानी पूरा फिल करते हैं टैंक में तो प्लांट अपरूट ना हो। इस वजह से मैं थोड़ा गीला कर लेता हूँ सबस्ट्रेट को। तो चलिए पानी थोड़ा डालते हैं, सबस्ट्रेट को गीला करते हैं। हर लोगों का तरीका अलग अलग होता है, मेरा ये तरीका है। हो सकता है आप लोग सबस्ट्रेट में ही डायरेक्ट प्लांट डालते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा गीला करने के बाद प्लांट करना। मैंने जो प्लांट्स मंगाया था अनफॉर्चुनेटली उसमें से आधा से ज़्यादा मेल्ट हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि एक दो प्लांट्स बचे हैं जो कि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि वो प्लांट इसमें डालूं, तो जो अच्छे प्लांट्स हैं वो मैं प्लांट कर देता हूं और कुछ प्लांट का ऑर्डर कर देता हूं जो कि आएगा, फिर हम लोग उसको प्लांट करेंगे। तो अभी क्या क्या बचा है? तो बचा है जो उसमें से एक जो हमारा फेवरेट प्लांट है लिम्नोफोलिया एरोमेटिका, और ये पर्पल वेराइटी है, बट बच्चा केवल दो है, तो उसी को प्लांट करते हैं। बाकी प्लांट को ऑर्डर कर देंगे हम लोग। ये भी बहुत ही बुरे कंडीशन में है अभी तो, बट देखते हैं, अगर ग्रो करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फ्रेश प्लांट को ही लगाएंगे। और एक जो वैरायटी बचा है वो है बेलिक्सा जापोनिका, ये भी बहुत अच्छे तरीके का था, बहुत अच्छे तरीके से क्लंप में था, बट मेल्ट होने के कारण छोटा हो गया। तो बस अभी के लिए इतना ही प्लांट, बाकी न्यू फ्रेश प्लांट आने के बाद लगाएंगे। तो चलिए वाटर फिल कर लेते हैं, फिर प्लांट आने का वेट करते हैं। तो हमने सेटअप तो कर दिया है, बट क्योंकि प्लांट्स जो हैं हमारे आधा से ज़्यादा जो मेल्ट हो चुके हैं, तो हम लोग वेट करते हैं प्लांट्स का फिर से आने का। तब तक हमने फिल्टर और CO2 सारे चीज़ें हमने लगा दिया है, और टैंक हमारा तब तक साइकिल भी हो जाएगा, हमारा रन करते रहेगा, तब तक प्लांट्स भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं और वेट करते हैं प्लांट आने का। देखिए हमारा प्लांट भी आ चुका है, चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा प्लांट है, और अपने प्यारे से टैंक में फटाफट से डालते हैं। तो ये जो मैंने प्लांट्स मंगवाया है ये ऐसा कोई TC पॉट वगैरह नहीं है, जिम ये मेरे एक फ्रेंड हैं उनके टैंक में ग्रोन था जो कि कोलकाता में रहते हैं, तो उनसे ही मैंने ये प्लांट एक्वेरियम का ही प्लांट कटिंग मंगवाया है। तो देखते हैं कौन कौन सा प्लांट है, किस कंडीशन में है, और फटाफट से फिर लगाते हैं। एक प्लांट है, देखते हैं इसे खोलकर, और ये डॉफ वैरायटी जावा फर्न है, और इसी में एरोमेटिका भी है आई थिंक, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए इसे खोलते हैं। इसमें है हमारे पास ये एरोमेटिका, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, फाइनली ये आ चुका है। ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, इसी से हम लोग ग्रो करेंगे। ये है ड्वार्फ जावा फर्न जो कि इस टैंक में मुझे यूज़ नहीं है, बट दूसरे टैंक में मुझे काम आएगा, ये इसे रख लेते हैं अलग। और ये है हमारा ग्लोसोस्टिग्मा जो कि बहुत ही छोटे क्वांटिटी में है, इट्स ओके, उसे हम लोग कवर अप कर लेंगे।
और ये है मेरा लुडविगिया सुपर रेड जो कि बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है, कलरफुल है। तो ये सारे को अपने टैंक में लगाएंगे। तो देख रहे हो आप लोग, टैंक ग्रोन और कटिंग अगर है तो किस तरीके का आता है, स्ट्रक्चर प्लांट्स का किस तरीके होता है, और कलरेशन जो है प्लांट्स का वो देखिए अलग है। तो ये सारे वैरायटीज़ का जो प्लांट्स है वो कब कहाँ लगाते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने प्लांट्स को अब हम लोग फटाफट से टैंक में लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना कारपेट प्लांट जो कि है ग्लोसोस्टिग्मा उसको प्लांट करना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे पीसेज में कर लिया मैंने ताकि ज़्यादा कवर कर सके, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, छोटे क्वांटिटी से ही हम लोग अच्छे तरीके से कारपेट बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे प्लांट करते हैं और पूरा कवर करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले हो, समझने को मिले हो। हम लोग साथ में इसे सीखेंगे किस तरीके से प्लांट्स हमारा मैच्योर हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ वीडियोज़ और रील्स डालता हूँ और टैंक्स के अपडेट वीडियो भी डालता हूँ। तो फटाफट से जाइए उसे फॉलो कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को या फिर संडे को। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, पीस आउट।